हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ग्राफिक वाइजर। मैं हूं ऋषभ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक और नए एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत प्रोफेशनल पैरेलेक्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पैरेलेक्स इफेक्ट होता क्या है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पैरेलेक्स इफेक्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम किसी भी स्टिल इमेज के अंदर डेप्थ ऐड करते हैं। तो डेप्थ ऐड करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे कैमरे के नज़दीक हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो रॉक है वो हमारे कैमरे के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम कट करेंगे और एक कैमरा क्रिएट करके इसे कैमरे के सबसे ज़्यादा नज़दीक रखेंगे। एंड देन ये हमारा ट्री होगा, देन इस तरीके से रॉक एंड ये गर्ल एक ही लेयर में होगी हमारी। एंड देन ये जो हमारा माउंटेन है इसको हम कट करेंगे, इसी तरीके से आपको ये जो बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं इनको भी हम कट करके एक अलग लेयर में रखेंगे, और सबसे दूर हमारा ये स्काई इसको भी हम अलग करेंगे, और इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कट करेंगे। एंड थोड़ा सा बहुत रिस्टोरेशन भी होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है। सो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को कट करेंगे, इनको इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम आफ्टर इफेक्ट में प्लेस करेंगे, एंड इसके बाद हम एक कैमरा बना करके उसे एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है पैरेलेक्स इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो सिंपली मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर हम इस इमेज के अंदर डेप्थ क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली कटआउट क्रिएट करने हैं, थोड़ा सा रिस्टोरेशन भी करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप। तो हम फोटोशॉप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ बना करके रखा हुआ कि किस तरीके से आपको कटआउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये जो रॉक दिख रहा है ये वाला, ये हमारे कैमरे के सबसे नज़दीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होगा। एंड सेकेंड नंबर पे ये हमारे ट्रीज आते हैं, इसको भी हम चैनल की मदद से कट कर सकते हैं, तो चैनल की वजह से आई होप कि आपको आता होगा किस तरीके से कट करना है। एंड थर्ड नंबर पे ये हमारा रॉक है जो कि हमारे गर्ल के साथ कट होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा ये वाला माउंटेन आता है छोटा वाला, एंड सिक्स नंबर पे ये हमारा पूरा एरिया आएगा, एंड सेवन नंबर पे स्काई जो कि हमारा सबसे दूर है। तो इस तरीके से हमें कटआउट क्रिएट करने हैं। तो ठीक है, हम जल्दी से कटआउट सारे क्रिएट कर लेते हैं। तो कटआउट क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर अपना पेन टूल वो ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप चाहो तो इस इमेज की एक कॉपी क्रिएट कर लेना, ताकि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो जाए, तो वापस अपनी पहली इमेज पर आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कटआउट क्रिएट करने से। तो यहाँ मैं इस रॉक से स्टार्ट करता हूँ। सो अभी यहाँ पर हमारे सारे कटआउट्स क्रिएट हो चुके हैं, अभी इसको हमें रीस्टोर भी थोड़ा करना होगा। अब रीस्टोर क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप इस इमेज को आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओगे और इसे एनिमेट करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर कटआउट्स दिखेंगे जो कि हमारी एनिमेशन को पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। तो वो कटआउट्स ना दिखें उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन पार्ट्स को रीस्टोर करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक ही चीज़ आपको दिखाने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को कट एंड रीस्टोर कर लेना। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हमने सारी चीज़ों को रीस्टोर कर लिया है वापस से, एंड मेक श्योर कि आपको इसको भी रीस्टोर थोड़ा सा कर लेना है, ताकि यहाँ पर जो रॉक दिख रहा है इसके पीछे का जो एरिया है वो यहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा रीस्टोर कर लेना, एंड देन ये जो हमारा ट्री है इसे भी आपको थोड़ा सा रीस्टोर करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट इसको बेसिकली आपको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है ये वाली लेयर को। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये आई होप कि आपको आती होंगी। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ओके, सो अभी हमारा फोटोशॉप का काम खत्म हो चुका है, अभी इस फाइल को हम सेव कर लेंगे एंड इसको हम लेके जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट अपना ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो हमने अपनी फाइल क्रिएट की थी इसको हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पर हम इसको एज अ कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी लेयर्स आ जाएंगी जो कि हमने फोटोशॉप में क्रिएट की थी। अब यहाँ पे जो नीचे की दो लेयर्स हैं इसका हमें काम नहीं है, तो इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो या फिर आप हाइड कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे कैमरा। एंड यहाँ पर मैं 35mm का एक कैमरा ले रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी कैमरा ले सकते हो बेसिकली, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमने कैमरा ले लिया है, अब यहाँ पर जो सारे लेयर्स है इसको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इनको डेप्थ के अकॉर्डिंग प्लेस कर पाएँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको वन व्यू दिख रहा है इसको हमें 2 व्यू में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें ये टॉप व्यू दिखने लगा, अगर यहाँ पे आपको टॉप व्यू नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली इस विंडो को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर आपको जाके टॉप सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आपको टॉप व्यू दिखने लगेगा। सो अभी हमें क्या करना है कि हमें हर एक ऑब्जेक्ट को इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा स्काई है, तो स्काई ही हमारा सबसे ज़्यादा दूर होगा यहाँ पर, तो स्काई को हम ले जाएंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर। तो यहाँ पर इस नीले वाले एरो को हम पकड़ेंगे और इसको हम पीछे ले करके जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस पर एक्सप्रेस करेंगे इसकी स्केलिंग को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर इसको हम वापस से स्केल कर देंगे ताकि जो स्काई है ये हमारा कॉम्पोजिशन में पूरी तरीके से देखने लगे, ठीक है। एंड इस सेम इसी तरीके से जो माउंटेंस हैं इसको भी हमें दूर करना है, तो सेम इसी तरीके से इसको भी हम दूर कर देते हैं एंड इसकी भी एक्सप्रेस करके इसकी भी स्केलिंग को हम एडजस्ट कर देंगे और इसको भी हम इस कॉम्पोजिशन के बराबर लेकर के आएंगे। और इसके बाद ये हमारे जो छोटे वाले ट्रीज़ हैं ये हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं एंड इसकी भी स्केलिंग को हम एडजस्ट कर देते हैं एंड सेम इसी तरीके से इन सारे लेयर्स को हम एडजस्ट करेंगे। एंड ये जो हमारा नियर वाला रॉक है जो हमारे कैमरे के सबसे पास में है इसको हम जहाँ पर है वहीं पर रहने देंगे, इसको हम मूव नहीं करेंगे, या अगर आप चाहो तो इसको कैमरे के थोड़ा सा पास ला सकते हो, बट मेरे ख्याल से यहीं पर ठीक है। ओके, अभी जो हमारी ये कटिंग्स हैं इनको हमने इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम इस कैमरे तो अभी हमें इस कैमरे को एनिमेट करना है, बट इस कैमरे को एनिमेट करने के लिए हम एक नल ऑब्जेक्ट बना लेंगे ताकि हमें इस कैमरे को एनिमेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे एंड नल ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इस कैमरे को हम इस नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे और इस नल ऑब्जेक्ट को भी हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट करना है तो यहाँ पर मैं P प्रेस करूँगा और यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से पोजीशन एडजस्ट हो रही है। तो इसको इस तरीके से हमको एनिमेट करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे लास्ट फ्रेम पे और यहाँ पर हम इसकी पोजीशन पे एक की ऐड करेंगे एंड पहले फ्रेम पे आएंगे और इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, ठीक है। तो कैमरा हमारा थोड़ा सा नज़दीक जाएगा, थोड़ा सा और पास ले करके जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो हमने एरिया रिस्टोर किया था वो क्यों किया था, ताकि अगर हम इसको जूम आउट करें तो यहाँ पर हमारा कोई भी कटआउट यहाँ पर ना दिखे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको वन व्यू पे लेके आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसको हम एक बार फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये हमारी एनिमेशन किस तरीके की लग रही है। सो हमारी ये जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।